जी नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है टेक्नोपॉजी यूट्यूब चैनल में। आज के स्टूडियो में हम बात करने वाले हैं, ICICI बैंक ने अभी जो है वो अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट में बदलाव जो है वो कर दिया है और कई स्कीम में जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी बढ़ा दिए गए हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है न्यू FD के इंटरेस्ट रेट। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप अपने चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो, मैंने ICICI बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट जो है वो ओपन कर ली है। ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये 17 फरवरी 2024 से जो है वो लागू कर दिए गए हैं। तो अगर आप भी 2 करोड़ से कम की FD करना चाहते हो तो सिंपली आपको ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये अभी लागू होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो और देखते हैं क्या है न्यू FD के इंटरेस्ट रेट। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये जनरल कैटेगरी के लिए है और ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये सीनियर सिटीजन कैटेगरी के लिए जो है लागू होने वाले हैं। इसके बाद यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट जो दिए गए हैं वो अगर आप 2 करोड़ से ऊपर की FD करते हो तो आपको ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये लागू होने वाले हैं। बट मैं जो है वो अभी यहाँ पे यही इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो कवर करने वाला हूँ, जो कि अगर आप 2 करोड़ से कम की FD करते हो तो आपको कौन से रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो लागू होने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम जैसे कि आप देख पा रहे हो, अगर आप 7 दिन से लेकर 29 दिन की FD करते हो तो सिंपली आपको जनरल कैटेगरी में 3% का रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो ऑफर किया जा रहा है और अगर आप सीनियर सिटीजन हो तो यहाँ पे आपको 3.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो ऑफर किया जा रहा है। वैसे ही अगर आप 30 दिन से लेकर 45 दिन की FD करते हो तो सिंपली आपको जनरल कैटेगरी में 3.5% और अगर आप सीनियर सिटीजन हो तो यहाँ पे आपको 4% का रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो ऑफर किया जा रहा है। वैसे ही अगर आप 46 दिन से लेकर 60 दिन की FD करते हो तो सिंपली आपको जनरल कैटेगरी में 4.25% और अगर आप सीनियर सिटीजन हो तो यहाँ पे आपको 4.75% का रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो ऑफर किया जा रहा है। वैसे ही अगर आप 61 दिन से लेकर 90 दिन की FD करते हो तो सिंपली आपको जनरल कैटेगरी में 4.5% और अगर आप सीनियर सिटीजन हो तो यहाँ पे आपको 5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो ऑफर किया जा रहा है। वैसे ही अगर आप 91 दिन से लेकर 150 दिन तक की FD करते हो, इनफैक्ट अगर आप 91 दिन से लेकर 184 दिन की FD करते हो तो सिंपली आपको जनरल कैटेगरी में 4.75% और सीनियर सिटीजन में यहाँ पे आपको 5.25% का रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो ऑफर किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप 185 दिन से लेकर 270 दिन तक की FD करते हो तो इन दोनों स्कीम में भी आपको जो है वो सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो ऑफर किया जा रहा है, जो कि जनरल कैटेगरी में 5.75% और अगर आप सीनियर सिटीजन हो तो यहाँ पे आपको 6.25% का रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो ऑफर किया जा रहा है। वैसे ही अगर आप 271 डे से लेकर 1 साल से कम की FD करते हो तो यहाँ पे आपको जनरल कैटेगरी में 6% और अगर आप सीनियर सिटीजन हो तो यहाँ पे आपको 6.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो ऑफर किया जा रहा है। इसके बाद अगर आप 1 साल की FD करते हो, इनफैक्ट अगर आप 1 साल से लेकर 15 महीने से कम की FD करते हो तो सिंपली जनरल कैटेगरी में यहाँ पे आपको 6.7% और अगर आप सीनियर सिटीजन हो तो यहाँ पे आपको 7.2% का रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो ऑफर किया जा रहा है। इसके बाद अगर आप 15 महीने से लेकर 2 साल तक की FD करते हो तो सिंपली आपको जनरल कैटेगरी में यहाँ पे 7.2% और अगर आप सीनियर सिटीजन हो तो यहाँ पे आपको 7.75% का रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो ऑफर किया जा रहा है। और ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये ICICI बैंक की ओर से हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट है किसी भी FD स्कीम के ऊपर। तो आप चाहो तो ये जो स्कीम का जो है वो लाभ ले सकते हो। इसके बाद अगर आप 2 साल 1 दिन से लेकर 5 साल तक की FD करते हो तो सिंपली आपको जनरल कैटेगरी में यहाँ पे 7% और अगर आप सीनियर सिटीजन हो तो यहाँ पे आपको 7.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो ऑफर किया जा रहा है। वैसे ही अगर आप 5 साल 1 दिन से लेकर 10 साल तक की FD करते हो तो सिंपली आपको जनरल कैटेगरी में यहाँ पे 6.9% और अगर आप सीनियर सिटीजन हो तो यहाँ पे आपको 7.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो ऑफर किया जा रहा है। वैसे ही ICICI बैंक में अगर आप टैक्स सेवर FD करते हो, जो कि 5 साल की FD होती है, उसके लिए आपको जनरल कैटेगरी में 7% और अगर आप सीनियर सिटीजन हो तो यहाँ पे आपको 7.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो ऑफर किया जा रहा है। और जैसे कि आपको पता है, एक टैक्स सेवर अगर आप FD करते हो तो सिंपली आपको इनकम टैक्स में भी जो है वो छूट मिलती है, जो कि 80C सेक्शन के द्वारा आप इसमें जो है वो एग्जेम्पशन में ये क्लेम कर सकते हो। सो उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो में सभी जानकारी मिल गई होगी। यदि आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई देने का ट्राई करूंगा। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।